वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम घर से निकलेंगे अल्मोड़ा के लिए, लेकिन आज हमारा जो स्टे रहेगा वह भवाली में रहेगा। तो आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। रास्ते की जो प्राकृतिक सुंदर वादियां हैं उनके बारे में आज आप जानेंगे, साथ ही हर जगह की अलग अलग विशेषता है उसके बारे में भी अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दूंगा। साथ ही साथ जो अल्मोड़ा जिला है वह मेरा जन्म स्थान भी रहा है, इसलिए इस ब्लॉग में हमारा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो आज चलते हैं हम भवाली की ओर। साथ ही इसी तरह उत्तराखंड के नई नई जगहों की जानकारी के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। तो चलते हैं भवाली की ओर। ये पहुंच गए हम मजार के पास, जो किच्छा से हम अगर हल्द्वानी की ओर जाते हैं तो ये रास्ते में किच्छा के पास ही एक मजार पड़ती है, किच्छा से 3 किलोमीटर आगे। और ये हाईवे है बरेली टू हल्द्वानी। बरेली से जितनी भी बसें आती है किच्छा की रोड से, वह इसी रोड से हल्द्वानी की ओर जाती है। ये अभी सिंगल रूट है। और जो RCC हाईवे हमें आगे जाके मिलेगा वो हमें नगला बाईपास से मिलेगा, जो काठगोदाम से रामपुर तक बनने जा रहा है। आगे चलकर देखते हैं उस हाईवे को। हमें इसी रोड स्पीड को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके तो पहाड़ों में बड़ी दिक्कत है। एक तो पत्थर गिरते हैं, दूसरा बरसात की वजह से रोड में बड़ी फिसलन हो रही होगी। तो हमें जो कवर करना है इसी हाईवे में करना है। यह जो स्कूटी है यह सेकंड हैंड है, मैं अभी अपनी नई वाली स्कूटी लेकर नहीं आया। आज हमने सोचा इसी का दम देखें पहाड़ों में, तो इसी को लेकर आज हम टूर पर निकले हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसा रिस्पॉन्स रहता है। जिस हाईवे की मैं बात कर रहा था ये काठगोदाम से रामपुर तक बनने जा रहा है बाया रुद्रपुर, यह पूरा RCC रोड है। अभी तो इसमें काम चल रहा है, अभी बहुत जगह पर यह रह चुका है, देखिए धीरे धीरे बन जाएगा। आप देख सकते हैं काफी चौड़ा हाईवे है और यह बनने से यह सफर काफी आसान हो जाएगा। अब पता नहीं कितना समय इसे बनने में लगता है। यह है पुलिस चौकी चेक पोस्ट। आजकल कोविड की वजह से यहाँ पर अक्सर चेकिंग होती है, क्योंकि जो अदर स्टेट है वहाँ से जो भी लोग आते हैं उन्हें यहाँ पर रोका जाता है और उनसे पूछा जाता है, उसी के बाद यहाँ से आगे जाने दिया जाता है। तो अब हम बहुत जल्द लालकुआ शहर में एंट्री करने जा रहे हैं। पहुँच चुके हैं हम लालकुआ और आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ, ये सेंचुरी पेपर मिल है, बहुत बड़ी पेपर मिल है। आप देख सकते हैं लालकुआ शहर जहाँ से शुरू होता है उससे पहले से ही ये पेपर मिल शुरू हो जाती है, और लालकुआ शहर जहाँ खत्म होता है उसके बाद तक यह पेपर मिल है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो ये जो लालकुआ शहर है जहाँ अब लालकुआ शहर बसा हुआ है, वह क्षेत्र पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। ये लगभग 1927 से इन जंगलों को काट कर यहाँ पर लोगों का बसना शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद से यहाँ स्थानीय लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार थी, तो राजस्व गांव का दर्जा प्राप्त करने की यहाँ के लोगों ने मांग की। 23 दिसंबर 1974 में लालकुआ को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया गया। तो तब से यहाँ की आबादी निरंतर बढ़ती रही। यहाँ उसके बाद से इस क्षेत्र का विकास ज्यादा हुआ, जब से यहाँ सेंचुरी पेपर मिल यहाँ पर स्टार्ट हुई है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी सेंचुरी पेपर मिल पर ही आश्रित है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पूरे लालकुआ शहर में फैली हुई है। और अब हम ये पहुंच गए लालकुआ जहाँ पर समाप्त होता है। ये ओवरब्रिज बना हुआ है, काफी पुराना ओवरब्रिज है, इसके नीचे रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, तो इसकी वजह से जो यातायात है वह बाधित ना हो यह ओवरब्रिज बनाया गया। हम क्रॉस कर चुके हैं लालकुआ, अब चलते हैं आगे की ओर। अभी यह हाईवे पूरी तरह बना नहीं है, कहीं पर एक साइड बना है और कहीं पर बना ही नहीं है, तो इसकी वजह से काफी दिक्कत होती है।
आप देख सकते हैं जहाँ पर बन चुका वहाँ पर ड्राइविंग करने में बड़ा मजा आता है और बहुत सी जगह अभी डाइवर्सन किए गए हैं रोडों के, तो देखते हैं आगे क्या होता है। यह हम हल्दूचौड़ भी क्रॉस कर चुके हैं, बहुत जल्द हमारी एंट्री होगी हल्द्वानी शहर में। आखिरकार हमारी एंट्री हो चुकी है हल्द्वानी शहर में। आप देख सकते हैं हल्द्वानी भारत के उत्तराखंड राज्य नैनीताल जिले में स्थित है। इसका जो जिला है वह नैनीताल है। यह जो कुमाऊं मंडल है इसका सबसे बड़ा शहर और पूरे उत्तराखंड में देहरादून के बाद दूसरा बड़ा शहर है। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षिक और व्यापारिक आवासीय क्षेत्र है। इसकी जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। हल्द्वानी को हमारी जो कुमाऊं क्षेत्र है इसका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक मुख्य समस्या है, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो घर बनाते समय जब घर बनता है तो उस समय आप दीवारों में तरी के लिए पानी डालते हैं, लेकिन हल्द्वानी क्षेत्र में वह अलाव नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पानी का मिसयूज होगा, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसकी वजह से यहाँ थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी के बाद भी यह काफ़ी खूबसूरत शहर है। चलिए आगे देखते हैं। यह है बाजपुर रोड और यह है कालूसाई मंदिर। यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है कालूसाई मंदिर। अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे हमें रोडवेज मिलेगा। पहुंच चुके हैं हम हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन। इससे अंदर को आप जाएंगे तो यहाँ रोडवेज स्टेशन है और उसी के जस्ट पीछे केमो स्टेशन। अगर आप पहाड़ों से आते हैं या पहाड़ों को जाते हैं तो आप अगर केमो में जाना चाहते हैं तो आपको यहीं रोडवेज के पास ही वह स्टेशन मिलेगा, आप वहां से बैठ सकते हैं। और अगर आपको टैक्सी में जाना है, छोटी गाड़ी लेकर पहाड़ में जाना है, चाहे आप कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा और आगे चलकर टैक्सी स्टैंड है, वहां से आप टैक्सियों को ले सकते हैं और यहां से हर क्षेत्र के लिए आपको टैक्सी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही है पहाड़ों को देखकर। ये पहुंच चुके हैं हम तिकोनिया चौराहा। हल्द्वानी का बहुत फेमस चौराहा है तिकोनिया चौराहा। बस इसी के पास टैक्सी स्टैंड है। ये पूरी टैक्सी स्टैंड है, भोटिया पड़ाव इस जगह का नाम है। आप यहाँ से पहाड़ों के लिए अगर कहीं भी जाना है, आप देख सकते हैं सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सब पहाड़ों को जाने वाली हैं। इस जगह का नाम भोटिया पड़ाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं काठगोदाम की ओर। और हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम शहर में। हमारी एंट्री हो चुकी है काठगोदाम शहर में। यह पहाड़ से लगा हुआ है, जो काठगोदाम शहर है पहाड़ से लगा हुआ है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है आपने पिछले सर्वे में शायद पढ़ा होगा, तो वह इंडिया का सबसे साफ रेलवे स्टेशन था। यहाँ लग रहा है अभी अभी बारिश हुई है, अभी तो खैर रुकी हुई है लेकिन पूरी रोड गीली है, तो यहाँ बारिश का कोई पता नहीं चलता क्योंकि एक यह जो शहर है यह पहाड़ों के घाटी में बसा हुआ है, तो यहाँ कभी भी अचानक से बारिश हो जाती है और कभी अचानक से धूप खिल जाती है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पहाड़ों के हिसाब से बदलते रहता है। अब बस हम लास्ट छोर पर पहुंच चुके हैं, कुछ आगे चलकर रानीबाग शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम देवभूमि उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत जगह कुमाऊं क्षेत्र हम पहुंचने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नीचे नदी का नजारा कितना अच्छा लगता है यहाँ। अगर हम जब भी पहाड़ों में आते हैं, क्योंकि मेरा होम टाउन भी जो है वो अल्मोड़ा जिला ही है, तो हमारी बचपन की यादें वहां से जुड़ी हुई हैं। काफी अच्छा लगता है जब भी हम पहाड़ों की ओर आते हैं। देखिए कितनी हरियाली है। मोड़ों पर गाड़ी का ओवरटेक करना सही नहीं है, तो इसलिए हमें रुक के चलना होगा। ये है रानीबाग का मोक्ष द्वार।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ की जो ड्राइविंग भी होती है वो भी काफ़ी रिस्की रहती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं और हमें अपनी साइड को छोड़ना नहीं है। अगर हम दूसरे साइड पर चल रहे हैं तो कभी भी एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए हमें अपने साइड को पकड़ कर चलना है और मोड़ों पर बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उस समय हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं। अगर आदमी थोड़ी सी मिस्टेक करें तो वह उसके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए सेफली यहाँ ड्राइविंग करनी। आप देख सकते हैं कैसे घुमावदार रोड है। एक बार अगर हम यहाँ आते हैं तो हमारा वापस आने का मन नहीं करता। देखिए कैसा व्यू है यहाँ से, वो पहाड़ हमसे नीचे दिखाई दे रहे हैं, हम कितनी ऊंचाई में हैं अभी। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भीमताल। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है भीमताल का। यह जो ताल है यह काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर और नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह झील जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा झील है। इसकी लंबाई लगभग 1674 मीटर के आसपास है और चौड़ाई की अगर हम इसकी बात करें तो 447 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई भी है। और यह जो ताल है यह 26 मीटर गहरा है। इसका जो आकार है यह त्रिभुज आकार का है और इसके तीनों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। और जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनके लिए नौका विहार की भी सुविधा है, यहाँ नावें चलती हैं, आप नाव चला सकते हैं यहाँ। और इसका जो पानी है गहरे नीले रंग का है और इसके बीच में एक टापू है जिसमें रेस्टोरेंट चलता है। आप कभी अगर यहाँ आएंगे तो आप उस रेस्टोरेंट में जरूर जाइए। इसी से यहाँ के क्षेत्र में छोटी बड़ी नहरें भी निकली हुई हैं सिंचाई के लिए। देखिए काफी बड़ी झील है। माना जाता है कि यहाँ जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो उस समय वह इसी क्षेत्र में आए थे और भीमताल के ही किनारे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी। 13वीं शताब्दी में यह कुमाऊं के राजा के अंतर्गत आया और 17वीं शताब्दी में यह अल्मोड़ा के राजा बाज बहादुर चंद्र ने भीमेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। और हम ये पुल को क्रॉस कर रहे हैं, देखिए कितना प्यारा नजारा है यहाँ से। आप अच्छी तरह से देखिए इसे, क्या सुंदर नजारा है। और अब हम आगे की ओर निकल चुके हैं भवाली की ओर। आपका अगर कभी भी मन करे पहाड़ों में घूमने का तो आप अगर कुमाऊं क्षेत्र में आए तो आप इस तरफ को जरूर आइए। चाहे तो आप भीमताल जाएं या नैनीताल जाएं या कौसानी जाएं, तो अगर आप जहां को भी जाएंगे आपको इसी रूट से आना पड़ेगा। बहुत जल्द हम भवाली पहुंचने वाले हैं और वहां का भी नज़ारा दिखाऊंगा आपको। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ का जो मौसम होता है ये अचानक चेंज हो जाता है, कब यहाँ बारिश हो जाए और कब यहाँ धूप खिल जाए कुछ पता नहीं। तो यहाँ आप जब भी आए तो पूरी व्यवस्था के साथ आप स्वेटर जरूर लाए साथ में। आप देख सकते हैं कैसा सुंदर नज़ारा है और ये हरियाली है और साथ में स्कूटी की सवारी, मज़ा आ गया। आज तो हमारी एंट्री हो चुकी है भवाली शहर में। ये देख सकते हैं आप, भवाली नगर जो है प्राचीन टीवी सैनिटोरियम के लिए विख्यात है। यह जो सैनिटोरियम है इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। भवाली में जो सबसे ज्यादा जंगल मिलेगा आपको चीड़ और बांस का मिलेगा और यह तलहटी पर है। इसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करें यह समुद्र तल से 1680 मीटर ऊंचा है। यह एक छोटा सा नगर है लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पार्क है। एक बार हम यहाँ से घोड़ाखाल तक पैदल चले गए थे।
मैं और मेरे दो भाई थे, मेरे चाचा के लड़के, हम लोग यहाँ से पैदल घोड़ाखाल तक चले गए जंगल के रास्ते। बड़ा मजा आया था उस दिन भी। एक दिन फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा उसी रास्ते से होके। तो आज का मेरा सफर यहीं तक है। आज हम भवाली में स्टे करेंगे, यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है। उसके बाद हम कल निकलेंगे अल्मोड़ा की ओर, और फिर रास्ते में जिस तरह का प्राकृतिक नज़ारा रहेगा वह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आज का सफर मेरा यहीं तक का रहेगा, भवाली शहर तक। तो आज हम यहीं स्टे करेंगे। तो आखिरकार पहुंच चुके हैं हम भवाली में। यह मेरे दोस्त का घर है, आज हम यहीं स्टे करेंगे और कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे अल्मोड़ा की ओर। और रास्ते में जिस प्रकार के भी अनुभव रहेंगे वह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप आगे आने वाली वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो आज के लिए गुड बाय।